दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। दूसरी ओर क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम भी कहा जाता है, जो हमें प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसी क्रिकेट में कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली है जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। कई बार ऐसी घटनाएं क्रिकेट में घटी हैं जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास को इतना काला कर दिया, जिनके धब्बे आज भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। और इन घटनाओं में कई बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खेल में ऐसी शर्मनाक घटनाएं देखने को ना मिली हों, लेकिन कभी कभी यह शर्मनाक घटनाएं उस हद तक बढ़ जाती हैं जो किसी खिलाड़ी के मर्यादा को, उसके सम्मान को सदियों के लिए धूमिल कर जाती हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनको क्रिकेट जगत आज तक नहीं भुला पाया है। नंबर एक की घटना 7वें IPL में 2014 में हुई थी और यह एक ऐसी घटना थी जिसके कारण IPL को बदनामी का मुंह देखना पड़ा था। यह मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच वानखेड़े के मैदान में खेला जा रहा था। जब यह मैच लगभग पूरा होने वाला था तो इस मैच के 17वें ओवर में जब केविन पोलार्ड बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क 17वें ओवर लेकर आए थे। दरअसल इस मैच में केविन पोलार्ड बहुत अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे थे और वह लगातार चौके और छक्के लगाए जा रहे थे, जिस पर मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर में केविन पोलार्ड को आउट करने के लिए केविन पोलार्ड को स्लेजिंग करना शुरू कर दिया और उन्हें गाली भी दी थी। उस दौरान जब मिचेल स्टार्क अपने रनर पर थे तब वह अपनी गेंद फेंकने वाले थे, तब केविन पोलार्ड विकेट के सामने से हट जाते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क फिर भी गेंद फेंक देते हैं। इस पर केविन पोलार्ड अपना बल्ला मिचेल स्टार्क की ओर फेंकते हैं। अच्छी बात यह होती है कि वह बल्ला मिचेल स्टार्क को नहीं लगता, वरना वह चोटिल भी हो सकते थे। इस मैच के ख़त्म होने के बाद मिचेल स्टार्क और केविन पोलार्ड पर मैच फीस का 75% तो वहीं मिचेल स्टार्क पर 50% जुर्माना लगाया गया। वहीं क्रिकेट की दूसरी घटना उस वक्त घटी जबकि किसी एक खिलाड़ी की सेंचुरी को नज़रअंदाज किया गया। दरअसल यह बात 1 फरवरी 1981 की है, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप सीरीज़ का फाइनल मैच खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रनों की ज़रूरत थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल थे। उन्होंने गेंदबाजी कर रहे अपने भाई ट्रेवर चैपल को अंडर आर्म गेंद फेंकने के लिए कहा। उन दिनों अंडर आर्म गेंद लीगल मानी जाती थी, हालांकि खेल भावना को देखकर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ब्रायन मैकरेनी स्ट्राइक पर थे और अंडर आर्म गेंद खेलते ही गुस्से से अपना बल्ला झटक दिया। नॉन स्ट्राइक एंड पर उस समय एगर की बल्लेबाजी कर रहे थे। एगर 102 रनों बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे और कीवी टीम को जीत के करीब तक पहुंचा दिया था। आर्म बॉल के चलते उनकी सेंचुरी को बहुत कम लोगों ने याद रखा। इस सेंचुरी को क्रिकेट इतिहास की सबसे नज़रअंदाज की जाने वाली सेंचुरी माना जाता है। वहीं तीसरी घटना उस वक्त घटी जब क्रिकेट के बीच दर्शक आ गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक घटना ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए एक वनडे मैच के दौरान हुई, जब मैच के दौरान दर्शक इतने उत्साहित हो गए कि मैदान के बीच आ गए। इसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के बैट्समैन स्टीव वॉरन भी पूरा नहीं कर पाए थे कि सारे दर्शक मैदान के बीच आ गए और विकेट उखाड़ लिया था। साथ ही साथ भीड़ में से किसी दर्शक ने स्टीवा का बैट भी छीन लिया था। स्टीवा एक पल के लिए डर गए थे। इतनी भारी भीड़ मैदान पर देखकर फील्डिंग कर रहे वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को भी मैदान से भागना पड़ा। इस दौरान हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पुलिस मैदान पर आई और काफ़ी देर के बाद स्थिति काबू में आई थी। इस वनडे मैच को क्रिकेट की दुनिया के सबसे खराब और शर्मनाक पलों में माना जाता है। हालांकि यह वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह दर्शकों की भीड़ का सैलाब पिच और मैदान पर उमड़ा था, उसमें किसी प्रकार की भी अनहोनी हो सकती थी। वहीं अगली घटना सबसे शर्मनाक घटना है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, भारत में IPL की तरह से ही ऑस्ट्रेलिया में भी एक लीग खेली जाती है जिसे वहां पर BBL के नाम से जाना जाता है। साल 2013 में एक BBL मैच के दौरान डेविड हसी जब दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे तो गेंदबाजी कर रहे सैमुअल्स ने उनका टी शर्ट पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह खेल भावना नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी रन ले रहा होता है तो आप उसे रोक नहीं सकते। शेन वॉर्न इस पूरे घटनाक्रम से आग बबूला हो गए थे और जब दोनों का आमना सामना हुआ तो वॉर्न ने सैमुअल्स की टी शर्ट पकड़कर उन्हें भद्दी गालियाँ दी थी। दोनों के बीच लाइव मैच के दौरान काफ़ी देर तक बहस हुई। इसके अलावा मैच के दौरान ही वॉर्न के एक थ्रो से सैमुअल्स बौखला गए थे और उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला फेंक दिया था। दरअसल सोशल मीडिया पर T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की रोमांचक जीत के बाद यह वीडियो वायरल हुआ था। घटना साल 1996 के वर्ल्ड कप की है। यह घटना 1996 के वर्ल्ड कप में घटी थी और इस वर्ल्ड कप में यह पहली घटना थी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर रख दिया था,
क्योंकि इस मैच में विनोद कांबली का मानना था कि यह मैच पूरी तरह से फिक्स किया गया है, लेकिन विनोद कांबली की इस मैच में किसी ने नहीं सुनी। विनोद कांबली इस मैच के दौरान ही मैदान पर दहाड़े मार कर रोया था। विनोद कांबली की उस तस्वीर को भला कौन क्रिकेट फैन भूल सकता है जब वे मैदान पर दहाड़े मार कर रोने लगे थे। इस दौरान दर्शकों ने आपा खो दिया था और मैदान पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। वहीं अगली घटना है ग्रेग चैपल और